10টি সর্বাধিক সংক্রমিত রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। করোনার দ্রুত সংক্রমণ, হসপিটাল বেড্রু আরম্ভ করে অক্সিজেন সিলিন্ডর অভাব অভিযোগ ভিতরে স্থিতির সমীক্ষা করেছেন মোদী। তবে মুখ্যমন্ত্রী চর্চা বেড়ে অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দিল্লী মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দেশের অক্সিজেন প্লান্টগুলিকে সেনা নিজ নিয়ন্ত্রণকু নেওয়া দরকার বলে সে প্রস্তাব দিয়েছেন। সেইপরি দিল্লির অনুরোধ ক্রমে কেন্দ্র সরকার অক্সিজেন কোটা বৃদ্ধি করা সে প্রধানমন্ত্রী কৃতজ্ঞতা জনাইছেন। তথাপি এহা পর্যাপ্ত নুহে বলে অভিযোগ করেছেন কেজরিওয়াল। সেইপরি অক্সিজেনর অভাব দেখাদেলে ও জরুরীকালীন স্থিতির মোকাবিলা পাইঁ তুরন্ত অক্সিজেন আবশ্যক পড়লে সে কেন্দ্রে কাহাকু ফোন করে জনাইবে বলে বৈঠকরে প্রশ্ন করেছেন। এপরিকি দিল্লীকে আসুথিবা অক্সিজেন ট্রককু অন্য রাজ্যরে অটকাই দিয়া গলে কাহাকু আপত্তি করিবে বলে পচারিছেন। এহাকু নিয়ে কেন্দ্র সরকার তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীঙ্ক সহ হইতিবা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠককু কেজরিওয়াল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যরে ব্যবহার করিতিবা অভিযোগ হইছে। সেইপরি বৈঠকরে কোন আলোচনা হেলা তাকু সার্বজনীন করে দিল্লী মুখ্যমন্ত্রী এহার গোপনীয়তা নিয়মকু উল্লঙ্ঘন করেছেন। কেন্দ্রের এভাবে আপত্তি পরে দিল্লী মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রধানমন্ত্রীঙ্কু দুঃখ প্রকাশ করিথিবা জাতীয় গণমাধ্যমরে চর্চা হেউচি। এক এস্টিমেট কে হিসাব সে দিল্লী কো 700 টন অক্সিজেন কি জরুরত হে। আপনে হামারা কোটা 480 টন কর দিয়া, বহুত বহুত শুকরিয়া। লেকিন পিছলে 24 ঘন্টো মে इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर।